हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्पाइस अप होम्स। क्या आप लोगों को भी पता है कि हम सबका सबसे ज़्यादा टाइम ऑलमोस्ट 30-40% टाइम किचन की साफ सफाई, किचन की मेंटेनेंस, घर को साफ सुथरा रखना इसी समय बीत जाता है। और इस सब के बीच बार हम अपने आप को भूल जाते हैं और इसी टेंशन में रहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी काम कैसे निपटाएं। लेकिन फिर भी हम बहुत घंटों तक किचन में स्पेंड करते हैं। चाहे वर्किंग वूमेन हो, उसको भी हमेशा ये टेंशन रहती है कि जल्दी से जल्दी मेरे किचन का काम हो। हाँ, इस वजह से उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा समय रसोई और किचन में ही बिताता है। लेकिन आज जो है, मैं आप सबकी टेंशन को दूर करने वाली हूँ और आप सबके लिए लेकर आई हूँ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिसके साथ आप कुछ रूटीन्स अपने चेंज करेंगे। हफ्ते में एक बार भी इस तरह की चीज़ों को करेंगे ना, तो आपके हफ्ते भर के किचन की साफ़ सफाई की टेंशन ख़त्म हो जाएगी और आप अपने किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन लाइक अ प्रोफेशनल मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करें, इस तरह का जो आपका वाटर सिंक होता है ना, उसको लॉक कर दें, उसको क्लॉगिंग को लॉक कर दें। वैसे वाटर सिंक के ना बहुत सारे लॉक्स आते हैं, बट मेरे पास ऐसा नहीं है, तो मैंने अपना देसी जुगाड़ लगाया है कि इसके अंदर ढक्कन लगाओ, स्मार्ट तरीके से जुगाड़ बनाओ और अपना काम चलाओ। इसके ऊपर जब ढक्कन लगाया एंड देन करा, एक ही हैवी सा एक स्टोन, या आपके पास कुछ भी हो सकता है यार, अपना दिमाग लगाओ। हम इंडियंस को बहुत जुगाड़ आते हैं, कुछ भी जुगाड़ करके इसकी ये जो ब्लॉकेज है ना, इसको मुझे बंद करना है ताकि वाटर नीचे पाइप में ना जाए। सो यू हैव टू चेक कि आपका वाटर जो ब्लॉकेज है वो बंद हो जाए पूरी तरीके से, ताकि इसके अंदर पानी भर जाए और नीचे देख लें कि ऐसा ना हो कि पानी निकल रहा और पानी का वेस्टेज हो रहा। तो थोड़ा सा चेक इन करके, और अगर आपके पास लॉक वाला है फिर तो टेंशन ही क्या है, सब बढ़िया है। इस तरह से इस सिंक के अंदर आपको पानी भर लेना है। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ ना, जो आपका सारा का सारा काम बहुत ही मिनटों में कर देगी, साथ में आपका बहुत टाइम बचत होगा जो आप अपने पे यूज़ कर सकते हैं। आराम करिए किचन में खड़े खड़े, अपनी ब्यूटिफिकेशन पे कर सकते हैं काम, फेस पैक लगाओ और ये सारे काम मज़े से कर लो। मैं तो यही फॉलो करती हूँ, तो आपको भी सजेस्ट करूँगी। पानी भरने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह का जो हमारा हैंड वॉश होता है ना, जिसमें अच्छी फ्रेगनेंस होती है, एक उस तरह के हैंड वॉश को थोड़ा सा इस सिंक में डाल देना। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही हैंड वॉश जो चलेगा। अगर कोई फैब्रिक सॉफ्टवेयर है तो वो भी चलेगा, नहीं है तो नॉर्मल लिक्विड डिटर्जेंट ले लो। बट मुझे जो अच्छी सी हल्की हल्की सी स्मेल आती है ना, जब आप काम कर रहे होते हैं और वो खुशबू पूरे किचन में घूम रही होती है, वो थोड़ा आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप काम कर रहे हो तो आपका दिमाग अच्छा हो, आपके आसपास की सब एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो वो एक स्मेल अच्छी आने के लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं थोड़ा सा कुछ खुशबूदार अपने इस पानी में डालूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके ये जो गैस के जो ये सब हैं, इन सबको इस तरह से पानी में डिप कर दो एक ही साथ और थोड़ी देर पड़े रहने दो। उसके बाद अपनी और जो चीज़ें हैं जो आपको क्लीन करनी है किचन की, क्योंकि फटाफट से वो ले, आपके टॉवल्स हो गए और इस सब की चीज़ें हो गई, इन सबको भी इसके अंदर डाल दो, डिटर्जेंट थोड़ा सा मिला लो और उसके बाद बस फटाफट इनकी रगड़ाई, धुलाई और चमकाई करना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा इनको वो क्लीन करोगे, रगड़ाई करोगे इसकी, आपके हफ्ते भर का जो काम है ना वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एवरी वीक, वंस अ वीक अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हो ना, वो घंटे लगाओ, एक बार इन सब चीज़ों को कर लो हफ्ते में, आपका आधे से ज़्यादा काम, टेंशन सब ज़रूरी है। लेकिन इन कामों के साथ साथ ना आपको एक टिप भी दूंगी, अपना भी ध्यान रखो। जब भी आप किचन के कुछ काम कर रहे हो, अपने स्किन पे कुछ लगा सकते हो, ताकि जैसे जैसे आपका काम हो रहा है, आपके वो सब चीज़ें, आपकी स्किन अच्छी हाइड्रेटेड रहे, कूल रहे, ये सब भी कर लिया करो। सजेस्ट तो करूँगी मैं आपको, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद इस तरह की इन सब चीज़ों को ब्रश की हेल्प से, जो टूथब्रश होता है एक्स्ट्रा बच जाता है, उससे आप क्लीन करो और आराम से सब क्लीनिंग करो। देन इन मैट्स को, जो फ्रिज की मैट्स होती हैं, उसको भी इसी पानी में आराम से थोड़ा सा सोक करो और देन जस्ट रब इट वेरी फास्ट। इस तरह ये जो फाइबर क्लोथ होते हैं ना, कुछ छोटी छोटी अच्छे, तो ये जो मैट है ना, ये जो फाइबर है क्लीनर, ये एक से नहीं खराब नहीं होता, कंपेरेट अदर स्क्रबर्स आते हैं और बहुत अच्छे से आपके बहुत सारी चीज़ों को क्लीन कर देता है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे की वीडियोस में कि मैं किस तरह के किचन में प्रोडक्ट्स और टूल्स यूज़ करती हूँ जो मेरे काम को बहुत ही क्विक और आसान कर देते हैं। स्पेशली जो वर्किंग मॉम्स होती हैं ना, वर्किंग वुमेंस है, उनको तो हर तरह की ट्रिक्स और टिप्स की ज़रूरत होती है जिससे वो अपने काम को स्पीड अप कर सके। तो बस इसी पानी में सब सामान डाल दो अपना, जो जो आपको वॉश करना है, मैं तो यही करती हूँ, एक साथ सब कुछ डाल देती हूँ एंड देन जस्ट क्लीन इट। इस तरह से हल्का हल्का स्क्रब किया, वैसे भी साबुन की वजह से, सर्फ की वजह से सब इफेक्टिव हो जाता है और बहुत जल्दी डर्ट क्लीन हो जाती है। तो मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें, लाइक कुछ भी हुआ, आसपास पड़ा हुआ दिखता है, एक ही बार डिप करती हूँ और सबको क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरे हफ्ते भर का जो काम होता है ना, कि क्लीनिंग का, हाइजीन का, ये सब आराम से हो जाता है। आप लोग भी अपनी आइडियाज़ लगाओ, कुछ स्मार्ट आइडियाज़ और स्मार्ट चीज़ें आप भी यूज़ कर सकते हो जो आपको सजेशन
लगता हो आप मुझे भी दो कि हाँ आप ऐसे करते हो और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, और अगर मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे होते हैं तो। लेकिन अगर बीच में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो अभी वो भी कर दो। इस तरह से मैं जस्ट अपना ये क्लीन अप किया, टॉवल्स क्लीन किए जो किचन के डेली के टॉवल्स होते हैं, हैंड के और आपका किचन टॉवल हुआ, बस पोचा पाची वाले जितने भी काम होते हैं इनको मैं क्विकली फटाफट क्लीन आउट करके निकाल के दूसरी तरह सिंक में ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आप रात को अपना काम कर रहे हो ना तो ओवर द नाइट इनको छोड़ दो, उसी वक्त समेटने की ज़रूरत नहीं है, और आप सुबह जब भी मॉर्निंग में उठे आप इन सबको बस कर ले। तो देख रहे हैं आप कितना गंदा पानी हो गया है, सब क्लीन हो गया है, इस तरह आपके बर्नर्स वर्नर्स सब साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा सा बस स्मार्ट ट्रिक्स टिप्स लगाएं और आपके पास काम हो जाएगा। किचन में ना आपके पास टूल्स होने अच्छे बहुत ज़रूरी हैं, मतलब, और वो भी बहुत छोटे छोटे सस्ते सस्ते, नॉट नेसेसरी आप महंगे महंगे क्लीनर्स लो या कुछ भी करो, सस्ते टूल से 5 रुपये 10 रुपये वाले स्क्रबर से भी दिमाग लगाकर आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड में मैं अपने सिंक को प्रॉपर खाली कर देती हूँ, और जो मेरे किचन के आसपास की चीज़ें हैं जिसमें मैं अपना किचन का स्क्रबर रखती हूँ या ये डिटर्जेंट्स रखती हूँ, वॉशेस रखती हूँ, इन सबको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरे साथ ही साथ बहुत सारे काम ना आसानी से मिल जाते हैं। और ये मॉप, ये जो है ना, ये स्क्रबर, ये बहुत अच्छा है, इससे लिटरली 10 मिनट वाला काम 2 मिनट में हो जाता है, और ये कहीं पे भी ई प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा और कहीं पे भी लोकल स्टोर में भी मिल जाएगा, बट ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो बस मैं इस तरह से अपना ये सब क्लीनिंग कर लूँगी और देन जस्ट रिंस इट आउट। और बहुत, जब आपके आसपास की चीज़ें साफ़ होती है ना तो आपका मन भी अच्छा होता है, और अगर आपके आसपास की चीज़ें साफ़ नहीं है, आपको सब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है कि हैवी भार पड़ा हुआ है वर्कलोड का, और पता नहीं कैसे ही होगा, बमी फूट जाएगा अगर ये सब काम नहीं हुए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। यहाँ पे बस मैंने ये ब्रश लगा लिया जो मैं किचन में छोटे छोटे गंदगी बर्तन कप्स वगैरह को साफ़ करने के लिए इस तरह का टूथब्रश यूज़ करते हो। ये वाइप आप इसको देखोगे, इसमें ना पानी नहीं रहता, तो किसी भी तरीके की स्मेल या कुछ ऐसा नहीं रहता है इसको। आप इसको निचोड़ोगे, इसमें इस सच कोई पानी नहीं है, क्विकली ड्राई हो जाता है और ईजिली फोल्ड करके ना छोटी से छोटी जगह में भी आ जाता है। तो बस दैट्स इट, ये हो गया काम, और आप इसको बस अपने। और एक ये मैं ज़रूर मैं आपको बता दूं, मैं ये स्टोन ज़रूर रखती हूँ बर्तन रगड़ने के लिए, क्योंकि जो कढ़ाई और हैवी बर्तन होते हैं ना वो स्क्रब से अच्छे से नहीं होते। तो ट्रेडिशनल वे है, हमारी मम्मियाँ, उनकी दादियाँ, उनकी मम्मियाँ भी यूज़ करती थी, तो इस तरह का पत्थर मैं अपने किचन में ज़रूर रखती हूँ। और लास्ट द हैंड वॉश, आई ऑलवेज कीप अ हैंड वॉश इन अ किचन, क्योंकि आप जब भी कोई काम करें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हाइजीन, सो वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, और इस तरह की बॉटल्स को भी क्लीन करें, बिकॉज दे इफ दे गेट अ डर्ट ना तो बहुत गंदा हो जाएगा। लास्ट में एक मैं इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ। हम बहुत लोगों को परेशानी होती है कि हमारा गार्लिक ना ख़राब हो जाता है बड़े बड़े, तो बस आपको क्या करना है, इस तरह का ये जो रॉक सॉल्ट होता है ना इसको लो, रैपअप करो और गार्लिक में रख दो, गार्लिक की जो पॉलिथीन है उसमें रख दो, आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चैनल को अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।